हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। पिछले वीडियो से इस वीडियो को आने में 4 दिन लग गए। 4 दिन इसलिए लग गए कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो हालांकि तबीयत अभी भी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ज्यादा ब्रेक हो जाता तो आप लोग पढ़ना लिखना भूल जाते हो, इसकी वजह से आज एक नया वीडियो हम लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बिल्कुल ही नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पहले आपने इसके बारे में कहीं पे भी सुना नहीं। डाइपोल वर्ड हो सकता है कि किसी ने कहीं कहीं पे सुना। नॉर्थ और पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोलों को मिला के क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। ज्योग्राफी वगैरह में ये सारी चीजें हो सकता है आपने देखी हो, नहीं तो बहुत सारे ज्यादा चांसेस हैं कि आपने ये वर्ड पहली बार आप ये वर्ड सुन रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट वेरियस पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं आज का बेहद ही खूबसूरत और हसीन टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसका मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज अ कॉन्फ्यूग्रेशन It is a configuration of two equal and opposite charges separated by a small distance. Here is TNCE. It is a configuration of two equal and opposite charges separated by a small distance. ठीक है? अब देखिए क्या होता है डाइपोल, क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को मिलके बनता है। चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। जैसे देखिए डाइपोल को ऐसे बनाते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच में ये वेरी स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एंड डिस्टेंस। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल। ये नहीं कि एक यहां पर रख दिया और एक यहां पर रख दिया चार्ज और उसको हमने डाइपोल बना दिया, नहीं। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये मिलीमीटर्स में होना चाहिए या उससे भी छोटा, नैनोमीटर में होना चाहिए, बहुत छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, इसको क्या, एक नया टॉपिक है, अब इसको एडॉप्ट करो कि ये टॉपिक क्या है, ये चीज क्या है, अभी नया एकदम बिल्कुल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे, दो चार्ज अगर है तुम्हारे पास, दो चार्जेस मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस फोर, इधर बहुत सारे चार्जेस इधर है, 3q ऐसे कुछ मिला हुआ है, माइनस 3q 4q ऐसा कुछ मिला हुआ है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि इसमें से डाइपोल बनाओ, तो डाइपोल इनमें से दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस क्यों उठा लो, जैसे मान लेते हैं कि माइनस 3q और प्लस 3q, और इनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे क्या कर दो, रख दो। ये जो सिस्टम हो गया ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बनता है और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अब प्रश्न ये है कि इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे। जनरली तो हम डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं सारी चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इस पूरे को डी मान सकते हैं, नहीं तो एक्स मान सकते हैं, नहीं तो एल मान सकते हैं। लेकिन इस बार डाइपोल के केस में थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा यूनिक तरीके से डिस्टेंस को माना गया है। कैसे माना गया है, हमने क्या किया कि इस डाइपोल का मिड पॉइंट निकाला। ठीक है, इस डाइपोल का क्या निकाला, मिड पॉइंट निकाला, तो ये हमको क्या मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया। अब देखो
इस आधे डिस्टेंस को L मानेंगे और इस आधे डिस्टेंस को भी क्या मानेंगे, L ही मानेंगे। आधा है ना, मिड पॉइंट है। इस तरीके से अब मान रहा हूं, यानी कि अब जो तुम्हारे इस डाइपोल का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2L। और यही अज्यूम किया जाता है कि किसी भी चीज के डाइपोल, किसी भी चीज का किसी भी डाइपोल के जो डिस्टेंस को माना जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। यानी कि तुम दो डाइपोल के डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर ना लिख के 10 मिलीमीटर ना लिख के क्या लिखोगे, 2 × 5 मिलीमीटर। ये लिखने का एक तरीका होता है बच्चों, और कुछ नहीं, लिखने का एक तरीका होता है 2 × 5 मिलीमीटर। अगर मान लो कि दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 20 मिलीमीटर, तो आप उसको d इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर ना लिख के क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू 2 × 10 mm। तो इस तरीके से ये होता है हमारा डाइपोल। डाइपोल आपको समझ में आ गया। चलिए अब डाइपोल के बाद एक टॉपिक आता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल के बाद एक टॉपिक आता है हमारा डाइपोल मोमेंट, DIPOLE, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट को जनरली कुछ फिजिसिस्ट इसको क्या बोलते हैं, कुछ फिजिक्स के जानकार इसको बोलते हैं कि यह किसी भी डाइपोल के स्ट्रेंथ को नापने का एक वो होता है, यूनिट होता है। यानी कि कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्गर होगा, कैसे पता चलेगा, उसका डाइपोल मोमेंट निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्गर है। देखिए जैसे दो चार्जेस हैं क्यू और क्यू, ठीक है, सॉरी माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन ऐसा कुछ है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे हो, मैंने की टोटल 4, और दो चार्जेस हैं प्लस 3q और माइनस 3q, और इनके बीच का सेपरेशन है तुम्हारे मान लेते हैं 1 मिलीमीटर, लिख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मिलीमीटर mm, और ये 1 mm और ये 1 mm। अब ये दो डाइपोल्स हैं, दोनों को आप डाइपोल बोल सकते हो। अब पूछा जाएगा कि इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर डाइपोल है, तो वो पता करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन बिटवीन देम, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे Q है, Q चार्ज है, माइनस Q प्लस Q, तो मैग्नीट्यूड चार्ज का Q ही लेंगे, तो ये इसका जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2L। दोनों चार्ज नहीं, सिर्फ एक चार्ज उसमें से लेंगे, मतलब ये दोनों तो सेम ही होंगे ना, तो उसमें से कोई एक निकालेंगे, Q इंटू 2L। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P से, जैसे वहां पे मोमेंटम को P से करते थे ना, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इंटू 2L जो होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो यहां से निकाल लो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, जरा बताओ तो, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, L यहाँ पे कितना है, 2 है ना, तो इसका P हो जाएगा 1 × कितना, 2 × 2, 4, 2 × 2, अरे यार L 2 है ना, 2 × 2, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट 4, अब यूनिट 4 यूनिट हो जाएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 3 × 2 × 1, एल यहां पे क्या है, 1 है ना, यानी किसका हो जाएगा 6 यूनिट। तो दोनों में किसका डाइपोल स्ट्रॉन्गर हुआ, इसका, ये वाला डाइपोल किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ, इसका ना, तो ये डाइपोल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्यू इंटू 2L, ये डाइपोल का फॉर्मूला होता है। अच्छा एक और चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिखते जाओ ये बात है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन इसका हो जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्या होगा, निगेटिव टू
पॉजिटिव चार्ज, नोट कर लीजिएगा, यानी कि इसका जो पी होगा, पी का डायरेक्शन ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, अच्छा यूनिट, अगर डाइपोल मोमेंट की यूनिट निकाली जाए तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा, बता दो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसका हो जाएगा कूलम मीटर, चार्ज इंटू लेंथ, तो चार्ज का कूलम और लेंथ का। तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया डाइपोल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। एक डाइपोल मोमेंट पे सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। ये सवाल है, एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3q है, यहाँ पे प्लस 3q है और यहाँ पे माइनस का 6q है। आपको एक डाइपोल, आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कितने डाइपोल होंगे, आपको अंदाजा लग रहा है इसमें कितने डाइपोल होंगे, डाइपोल आपको बन रहा है कि आपको डाइपोल कहीं बनते हुए दिख रहा है, मेरे को तो सर बनते हुए नहीं दिख रहा है, आप बताइए, सोचिए, पॉज करके सोच लीजिए, फिर मैं आप पॉज कर लिए, अब मैं बताता हूँ देखिए डाइपोल कैसे बन रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 3q है ना, तो यहाँ यहाँ -6q है ना, -6q था तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ -3q और इधर एक और -3q, दो -3q लिख सकता हूँ। अब देखिए डाइपोल बन गए, एक डाइपोल बना, ये प्लस का 3q और ये माइनस का 3q, तो एक डाइपोल बना और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो एक डाइपोल ये बना। अच्छा दूसरा डाइपोल मैं थोड़ा सा सेपरेट करके बना रहा हूँ, दूसरा डाइपोल ये बनेगा, ये माइनस का 3q और ये प्लस का 3q, ठीक है, एक्स, तो एक डाइपोल ये बना, दो डाइपोल्स बन गए ना। चलिए तो इस पे क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे नेट लगा देता हूँ, नेट डाइपोल मोमेंट, तो इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस ही एक्स है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q into x, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 3qx। अब 2L नहीं है, एक ही दिया ही हुआ है, x दिया हुआ, हर बार जरूरी नहीं है कि वही दे, अलग हाफ ही पार्ट दे, ये पूरा x है, ये नहीं है कि बीच का वो सेपरेशन x दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे भी हो जाएगा P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q into x, वही बात 3qx। अच्छा एक बात बताओ कि इस वाले डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये जो ये वाला डाइपोल है मैंने क्या बताया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया था ना, तो इसका ऐसा होगा और इसका कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि ऐसा, तो यहां पे बना लो इसका ऐसे, इसको मान लो कि P1 माना है तुमने और इसका कैसा होगा ऐसे, इसको मान लो कि क्या माना है P2 माना है, तो दो डाइपोल है, दोनों वेक्टर है, इनको जोड़ना है, आपको पता है ना दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसको जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है, यानी कि यहाँ पे cos 90 होगा, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि पी नेट की वैल्यू जो होगी, पी नेट की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, सिर्फ
ठीक है, तो पी वन पी टू भी दोनों क्या है, सेम ही है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि रूट टू पी, रूट टू पी। पी की वैल्यू कितनी है भैया, थ्री क्यू एक्स है ना, यानी कि रूट टू थ्री क्यू एक्स, ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट फिगर का। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपको अगर कोई और डाउट हो इसमें, कोई सवाल मिले तो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी। वैसे अब अगला टॉपिक, अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल आप समझ गए ना, एक डाइपोल में क्या होता है, एक डाइपोल के पास दो चार्जेस होते हैं और एक छोटा सा सेपरेशन होता है, एक छोटा सा सेपरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल निकालने का आप सवाल पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का तीन पॉइंट्स की वजह से हम निकाले, तीन जगहों पे वो पॉइंट्स होंगे उनकी वजह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, वही चीज एल और एल। तो पहली बार हम निकालेंगे ये जो पॉइंट होगा ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे होगा, यानी कि डाइपोल का एक्सिस यही है ना, यानी कि कहीं ये पॉइंट इस लाइन पे होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सिस ऑफ द डाइपोल, समझ रहे हो, ये कहीं पे भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट होगा लेकिन इसी लाइन पे होगा। दूसरा निकालेंगे ऑन द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, आपकी बार पॉइंट किस लाइन पे होना चाहिए, इस वाली लाइन पे होना चाहिए जो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हो। दो टाइप्स के हो जाएंगे सवाल। और तीसरा निकालेंगे एनी वेयर इन द स्पेस, यानी कि इस डाइपोल की वजह से स्पेस में कहीं पे भी निकालना है, कहीं पे भी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनो। पहली बार इस डाइपोल, पहली बार वो पॉइंट कहां होना चाहिए, इसके एक्सिस पे ही कहीं होना चाहिए, इसके एक्सिस पे ही होना चाहिए, और उस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद दूसरे में हम देखेंगे कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और तीसरे में एनी वेयर इन द स्पेस, यानी कि इस डाइपोल की वजह से यहां पे कोई पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इस कलम से लिखूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल at distance x from the center, एक्सिस समझते हो ना, ये टॉपिक है। चलिए तो पहले एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डाइपोल बनाते हैं। चलिए डाइपोल मैं बना रहा हूं, यहां पे देखिएगा ध्यान से, डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये हो गया हमारा डाइपोल। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक, मैं मिला देता हूं। गंदी गंदी लाइंस बना डाली मैंने। ठीक है, डाइपोल दो चार्जेस की वजह से, एक आइडियल डाइपोल लेंगे, मतलब एक नॉर्मल जो लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, आप चाहो तो माइनस थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली तो क्यू ही वाला लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एल और ये हो गया हमारा एल, और जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे है। अच्छा, इस वाले चार्ज को कुछ नाम दे दो, इस वाले चार्ज को मान लो कि ये वन है और इस वाले चार्ज को मान लो ये क्या है, टू है। ठीक है, चलिए अब जो पॉइंट है कहां पे है, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, एक्सिस पे है और x डिस्टेंस, तो इधर मान लेते हैं, आप इधर का भी बना सकते हो, इधर का भी बना सकते हो। तो पॉइंट यहां से यहां पे इस
वाले जगह को हमने क्या माना, वो पॉइंट है जो कि सेंटर से, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से वो हमको ज्ञात करना है, वो हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए आइए चालू करते हैं। चलिए एक डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं, एक डाइपोल में कितने चार्जेस होंगे, दो चार्जेस होंगे ना, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो चलिए जरा बताइएगा कि इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दे दिया ये वन है ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ई वन मान लेते हैं। अच्छा इस टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द डाइपोल होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इसकी वजह से हमने यहां पे दे दिया ऐसे, ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया ई टू। अब आपके मन में बहुत जोर से एक सवाल आ रहा होगा, बहुत ही जोर से सवाल आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट घूमना हो ये वाला पॉइंट, देखिए अगर ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। आपके मन में जोर से सवाल आ रहा होगा कि सर E1 वाला एरो आपने छोटा क्यों बनाया और E2 वाला एरो आपने इतना बड़ा क्यों बनाया, क्या E1 और E2 ये एरो जो है E1 और E2 के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या। बिल्कुल सही बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे बहुत कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि यहां से ये दूर है। अच्छा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये नजदीक है ना, क्योंकि ये नजदीक है तो इसकी वजह से ज्यादा होगा, ठीक। हाँ एक का इधर वाले डायरेक्शन में होगा और एक का इधर वाले डायरेक्शन में। तो अब बताओ कि इस डाइपोल में दो चार्जेस थे, इंडिविजुअली निकाल लिया, अब इस पूरे डाइपोल की वजह से जो होगा वो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम बोलेंगे ई नेट, और ई नेट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ई टू माइनस ई वन के बराबर। कोई शक, कोई शक नहीं होनी चाहिए, ये जितना E1 इधर E2 में से क्या कर देंगे, E1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही डाइपोल होगा, समझ रहे हो। तो अब चलो एक काम करते हैं, हम E1 और E2 को निकालना चालू करते हैं। चलिए E1, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर ना, तो K यहाँ पे चार्ज कितना है, Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस तो एक्स है, तो यहाँ पे और कितना एल जुड़ जाएगा ना, तो L जुड़ जाएगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी x प्लस एल का होल स्क्वायर। पूछो कैसे सर, अरे भैया यहां से यहां से यहां की यहां का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा बताओ मुझे, तो ये x, देखो ये x प्लस ये L, x प्लस L के ही बराबर होगा ना, अरे यहां तक x हुआ और यहां से L, x प्लस L, तो R की वैल्यू इस केस में किसके बराबर हो जाएगी, x प्लस L के बराबर हो जाएगी, तो R स्क्वायर होता है ना, तो x प्लस L का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू जरा बता दो मुझे, E2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E2 की वैल्यू बताओ, E2 के लिए ये डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहां तक x है लेकिन डिस्टेंस हमको यही निकालना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस एल, देख के देखो ये वाला पोर्शन हट गया ना यहां से, अरे कितना है L है, यहां तक कितना है L है, तो ये वाली वैल्यू सिर्फ किसके बराबर हो जाएगी, x माइनस एल के बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए लिख देंगे हम KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो E net यहां पे बना रहा हूं मैं, यहां पे मैं बनाता है E net की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर, समझ गए आप। चलिए 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 E net इज इक्वल टू KQ को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, KQ को अगर तुम बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा इनकी एलसीएम लोगे तो ये x माइनस 6 लिख रहा है, l लिखने की जगह मैं 6 लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना, ये वन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, कभी तो बुद्धू नहीं हो ना, ये वन अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, तो एलसीएम लोगे तो ये एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और इधर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। जहां पे आपको एलसीएम लिखना ना है, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होता है, एक्स और वाई का एलसीएम ही हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें ही नहीं कि कॉपी कलम निकाल के और ऐसे निकालने बैठे हो जैसे दो चार और आठ का निकालते हो, डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने कैसा है।
अब x माइनस एल से x माइनस एल बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, और चूंकि ऊपर वाला नहीं है ना, के क्यू बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ यानी माइनस इधर हो जाएगा आपका x प्लस एल, यानी कि x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर से एक बार इतने बार में जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं, के क्यू तो हमारा बाहर है, चलिए के क्यू बाहर है, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा बढ़ा जाएगा ये साइन, देखते कितना बढ़ा जाता है, x प्लस एल का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एक्स एल, ये हो जाएगा ना टू एक्स एल डबल एक्स एल। मैंने ड्रेस का नंबर बताया, ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का ही रहेगा और माइनस टू देगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर यानी कि माइनस का एल स्क्वायर और माइनस का टू एक्स एल क्या हो जाएगा प्लस का टू एक्स एल, प्लस का टू एक्स एल। चलो ऊपर वाली चीज समझ में आ गई। आगे अब एक बात बताओ, x माइनस एल का होल स्क्वायर है और x प्लस एल का होल स्क्वायर, कहीं कैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो तुम इसको बड़े आराम से x y का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो ना, तो इसको हम बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, यहां वाला देखना थोड़ा सा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस एल और x प्लस एल ऐसा इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को हमने इन दोनों का जो इंडिविजुअल स्क्वायर था यहां पे कर दिया। अब देखो x माइनस एल और x प्लस एल, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर तो बैठा ही हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें से कुछ कटने वाली चीजें कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर जाएगा तेल लेने, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर जाएगा तेल लेने, और ऊपर 2xl बच जाएगा ना सिर्फ, यानी कि यहाँ पे देखते हैं e net की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2xl प्लस 2xl 4xl ना, यानी कि 4kqxl, 4 ऊपर ला दिया मैंने और नीचे x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे मॉडिफाइड वे में लिखेंगे, मैं एक बार कैमरा अपना चेक कर लेता हूँ, इसको हम थोड़ा सा किस वे में लिखेंगे मॉडिफाइड वे में, इसको मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे बच्चों, मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू, इस टू में से इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको टू के क्यू इंटू टू एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा क्या हम, अरे बस इसमें से एक टू को निकाल के हमने इसमें बीच में डाल दिया, बीच में डाल के लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो जरा नजर दौड़ाओ तो ये वाला फॉर्मूला किसी चीज का जाना पहचाना लग रहा है, क्यू इंटू टू एल, बिल्कुल ये किसका फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि E net is equal to 2kpx upon x square minus l square का whole square, ये हुआ हमारा आंसर, असली आंसर ये भी हो सकता है। अच्छा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर दो, बोलो सर कितना मॉडिफाई करवाओगे, थोड़ा सा और कर दो, मैं तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी आसान ताकि तुम इसको आसानी से लिख लो, ठीक है। देखो एक बात बताओ कि x की वैल्यू जो है L की वैल्यू से बहुत बड़ी होगी कि नहीं होगी, x will be much 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 greater than L, क्यों, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये जो L की वैल्यू है ये मैंने तुमको इतना दूर है, मैंने तुमको समझाने के लिए इतना दूर बनाया, तो रियल में जो डाइपोल्स बनते हैं ना वो ऐसे बनते हैं, और पॉइंट कैसी होगी, पॉइंट यहां पे होगी, रियल के डाइपोल्स तुम्हारे कैसे बनते हैं ऐसे बनते, छोटे छोटे, ये तो मैंने दूर तुमको सेपरेशन के लिए निकाला है, ये x की वैल्यू L की वैल्यू से क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी, रियल में ये एल जो होता है ना मिलीमीटर्स में होगा या नैनोमीटर्स में होगा, ये सेंटीमीटर में मीटर में होगा, ठीक है। तो एक्स इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो उस समय एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू टेंड्स टू जीरो, एक्स के सामने एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, तो एल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के ही बराबर होगी लगभग, या ऐसे समझो
कि एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स बहुत बड़ा है और एल क्या है, बहुत छोटा है, तो इसमें से अगर इसको घटाओगे, एक्स स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे, तो ऐसा ही घटना होगा जैसे कि समुद्र में से तुमने दो बूंद पानी निकाल लिया। तो समुद्र में से अगर तुम दो बूंद पानी निकाल लोगे, मतलब कि ओशन माइनस टू ड्रॉप्स, तो वो किसके बराबर होगा, ओशन के ही बराबर होगा, उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो इसी तरीके से इसमें से अगर घटाओगे तो ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के ही बराबर होगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि x स्क्वायर यहीं पे x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टेंड्स टू x स्क्वायर, ये x स्क्वायर के ही बराबर होगा क्योंकि l स्क्वायर इसमें से कुछ घट के कुछ उसका उखाड़ नहीं पाएगा। चलिए तो e net की वैल्यू किसके बराबर हो गई, e net will be equal to 2k, ये दिख रहा है ना आपको 2k bx upon, नीचे क्या बचा था, x स्क्वायर सिर्फ बचा था, x स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर, x पे पावर 4 के बराबर। अब देखो यहां से एक x से x x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि e net की जो वैल्यू होगी वो होगी 2k p by x cube, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। याद कर लीजिए, एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से किसके बराबर होगा, 2 इंटू ये k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल जिसका पूछा जा रहा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं, नोट डाल के, छोटी सी बात नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं। देखिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ आई ई एल डी फील्ड इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, बीसीटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे ई को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2k, p भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, 2k p अपॉन x क्यूब, ये ध्यान रखिएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्सियल पॉइंट पे जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का, या जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। देखो समझा रहा हूं, यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हुआ। यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना। अरे भैया, कोई तुम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई तुम पे इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट कितने का आएगा, 7 का, इसी डायरेक्शन में जो डोमिनेंट फोर्स है, यानी कि यहां पे डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये नहीं होगा। तो लिखेंगे कि ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन, चलिए अब अगला उतार लीजिए। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। वही कहानी है, बस इस बार एक्सिस पे ना निकाल के उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, एल, ठीक है। अब की बार हमको डाइपोल कहां पे निकालना है, अब की बार डाइपोल हमको थोड़ा सा और इसको नीचे बनाता हूं, सॉरी, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये एल और ये एल। अब की बार हमको डाइपोल कहां पे निकालना बच्चों, अब की बार हमको डाइपोल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे,
यानी कि इस पॉइंट पे कहीं निकालना है। इस पॉइंट पे कहां पे x डिस्टेंस की दूरी पे मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, x डिस्टेंस की दूरी पे ये वाला कोई पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस कितना है x है। तो इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से, इसको मान लेते हैं वन और इसको मान लेते हैं चार्ज टू, इसकी वजह इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इंडिविजुअल। पहले वाले में जैसे किया था वैसे इसमें भी कर लेंगे, यानी कि इंडिविजुअली इस चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से निकाल लेंगे। तो जरा बताना कि पॉजिटिव की वजह से, तो पॉजिटिव की वजह से ऐसा होगा कुछ, पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। अरे यार यहां से अवे होता है ना, इसको हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। अच्छा नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से होगा, नेगेटिव की वजह से यहां पे ऐसा होगा, समझना। E1 पूछो क्या क्यों ऐसा, नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 हो गया हमारा ये और E1 हो गया हमारा ये, ठीक है इसको मिटाओ अभी। इतनी कहानी समझ में आई, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा होगा, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा। अच्छा इस डिस्टेंस को तुम कुछ भी मान लो, इस डिस्टेंस को कोई नया टर्म ले लो, इस डिस्टेंस को तुम क्या मान लो, डी मान लो, इस डिस्टेंस को क्या मान लो तुम, डी मान लो, इन डिस्टेंसेस को, ये डी होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, डी होगा। अब एक काम करते हैं, यहां इस पॉइंट पे बताना, मैं सिखा रहा हूं तुमको भी ऐसे ही करना, यहां से इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, समझ रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ क्यों किया, मैं बता रहा हूं ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है भैया, सिमेट्री या फिगर, ठीक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक। तो ये वाला थीटा, अच्छा अब ये थीटा तो ये भी थीटा, अच्छा ये थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, समझ में आ रहा है अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक। अच्छा ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, अब बोलो सर ये कैसे थीटा होगा, ये कैसे थीटा होगा, बना के देख लो ना, इसको ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे बड़ा करके, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ बैठ के देखो, पहले ये सोचो ट्रिग्नोमेट्री में ये थीटा क्यों हुआ, ये थीटा क्यों हुआ, ये दोनों थीटा ही होंगे, ठीक है समझ में कहानी। अरे भाई देखो ये थीटा कैसे होगा, ये लाइन्स ऐसी हैं, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा नहीं होता है, इस तरीके से मैंने ये कर दिया, इसको अगर ऐसे बढ़ाओगे ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा इस E2 को दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं, तो अगर इस E2 को तुम दो कंपोनेंट्स में बांटोगे तो एक इधर हो जाएगा, इधर ऐसे, जिसको हमने क्या बोला E2 sin थीटा, समझ में आ रही बात, इधर थीटा नहीं होता, और E2 का जो cos कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा इधर, यानी कि E2 cos थीटा, समझ रहे हो। E2 को हमने दो कंपोनेंट बांट दिया, E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। अच्छा E1 को भी दो कंपोनेंट में बांटो, तो E1 को दो कंपोनेंट में बांटोगे तो एक नीचे हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे E1 sin थीटा, और इधर हो जाएगा, इधर ही होगा E2, सॉरी E1 cos थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, E1 को देखो इंडिविजुअली हमने काटा तो E2 sin थीटा और E2 cos थीटा, और E1 को भी बांटा तो E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। अब एक बात देखो, एक चीज तुमको समझ में आ गई होगी कि E2 sin थीटा और E1 sin थीटा। अच्छा पहले अभी E1 और E2 को निकाल लेते हैं, E1 और E2 को निकाल लेते हैं, E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, E1 जरा निकालते हैं, E1 is equal to k q यही है ना, अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया d स्क्वायर, k q अपॉन d स्क्वायर, D को क्या लिख सकते हो, D को लिख सकते हो ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, यानी कि D इज इक्वल टू, D की वैल्यू इधर कहीं साइड में मैं लिख रहा हूं, देख लो इधर साइड में लिख रहा हूं, देख लो D इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे ही अगर डी निकालो तो डी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हालांकि फिलहाल अभी हमको डी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे डी स्क्वायर लिख रहा हूँ। डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देख लो तो यानी कि के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ई टू की वैल्यू जरा बता दो, ई टू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ई टू की वैल्यू के क्यू बाई डी स्क्वायर, वो भी सेम ही होगा ना, यहाँ पे भी क्यू है डिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये भी वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तुम कह सकते हो कि ई वन इज इक्वल टू ई टू, ई वन ई टू के बराबर है, और इसको क्या मान लो लेट ई, इसको मान लो कि ये दोनों किसके बराबर है, ई के बराबर है। चलिए अब एक बात बताओ कि E2 sin थीटा E1 sin थीटा ये इधर डायरेक्शन में है, ये इधर इस वाले डायरेक्शन में है, थीटा सेम है दोनों का, E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि E2 sin थीटा विल बी कैंसल्ड कैंसल्ड बाय E1 sin थीटा। यानी कि अब जो होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, ई नेट इज इक्वल टू ई नेट की जो वैल्यू होगी अब होगी ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, इसी के बराबर होगी। अच्छा ई वन और ई टू दोनों सेम है तो हमने क्या मान लिया ई, यानी कि ये भी ई कॉस थीटा ये भी ई कॉस थीटा, यानी कि अब जो होगी ई नेट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टू ई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, टू ई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और उनका रिजल्ट ऐसे ही होगा ना, रिजल्ट बोल रहा डायरेक्शन यही होगा ना। अब देखिए E net is equal to वैल्यू रखते जाइए, वैल्यू यानी कि 2 E की जगह पे कितना आया है KQ upon E1 और E2 दोनों सेम ही है ना, किसके बराबर KQ upon X square plus L square into cos theta cos theta cos theta cos theta cos theta की वैल्यू लिखनी है ना अभी। अच्छा किसी में से cos theta ले लो, यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रही है ना, इसमें ये वाला एंगल कितना है थीटा है, और ये कितना है एक्स है, और ये कितना है एल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है, और ये कितना है डी है, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए कितना होती है बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस ना, साइन थीटा की परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा की बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि ये कितना हो जाएगा एल बाई डी। चलिए इसको हमने क्या लिख दिया एल बाई L by D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D की जगह पर हमने क्या लिखा है X square plus L square ना, ये hypotenuse जो है D, यानी कि इसकी जगह हमने लिख दिया X square plus L square के power 1 by 2, और ये तो ऐसे है ही हमारा। चलिए यानी कि अब जो आंसर हो गया E net is equal to ध्यान से देखते जाइएगा 2 KQL divided by X square plus L square के power 3 by 2, ये 1 यहाँ पे वन छुपा हुआ है ना, और प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आंसर हमारा आ गया, हम तो मॉडिफाई करके एकदम आसान लेना चाहते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू, देखो के को बाहर निकाल दो अगर तो ये क्यू इंटू टू एल इसको लिख सकते हैं, के को बाहर निकालो तो क्यू इंटू टू एल, अरे भाई के को बाहर निकालोगे तो क्यू इंटू टू एल नहीं हो जाएगा, और क्यू इंटू टू एल किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू बाई टू। समझ में आ गई कहानी, ये हो गया ये भी आंसर, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, एक आसान आसान सा आंसर लेते आते हैं। ई नेट इज इक्वल टू, हमको पता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन एल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समुद्र में दो बूंद जोड़ भी दो ना तो समुद्र में बाढ़ नहीं आ जाएगी, वो समुद्र के ही बराबर होगा, ओशन के ही बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे E net is equal to K P upon, यहाँ पे अब क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और एक्स स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू, एक्स स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू, यानी कि एक्स इंटू टू इंटू थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, यानी कि एक्स क्यूब, यानी कि के पी बाई एक्स, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया क्या हमारा आंसर, समझ गए चलिए।
अब देखो E net जो क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो E net will be equal to, यहाँ पे एक वेक्टर है KP वेक्टर x cube, ये वेक्टर लगा दो। अब लेकिन ये देखो यहाँ पे समस्या ये है कि P वेक्टर जो वो होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तब यहाँ पे E net is equal to E वेक्टर is equal to minus of KP वेक्टर अपॉन x cube, जो कि शो कर रहा है कि P वेक्टर के ये क्या होगा, अपोजिट में होगा। समझ गए? अच्छा जरा बताओ कि E इक्विटोरियल की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी एक्सियल की वैल्यू, वो किसके बराबर आई थी, वो 2KP अपॉन x cube के बराबर आई थी, और E इक्विटोरियल, इसको परपेंडिकुलर को इक्विटोरियल भी बोलते हैं, ये किसके बराबर आई है, KP अपॉन x cube के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इनटू E इक्विटोरियल या E परपेंडिकुलर, 2 इनटू E परपेंडिकुलर, ऐसा भी कोई एक फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। चलिए तो अगला जो टॉपिक है वो चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने जिंदगी में पहली बार सुन रखा है ना, आप पर कभी इसके पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स आप पढ़े हो, कार्टेशियन सिस्टम पोलर सिस्टम ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है। देखिए अब की बार ये जो डाइपोल है, ध्यान से देखेंगे मैं बताता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स भी, माइनस क्यू और प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होगा, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में होता है कि हम उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं, अगर थ्री डायमेंशनल प्लेन है तो एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट बताते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे किसी एक पॉइंट से उसके डिस्टेंस को, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसा हो गया, ठीक है, और वो पॉइंट यहाँ पे है, यानी किसका मतलब कि ये ऐसे ये डिस्टेंस एक्स है और ये वाला एंगल कितना है थीटा, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है वो ये सेंटर है इसका, तो इसको हम इस पॉइंट को बोलेंगे एक्स कॉमा थीटा, ये इसका कोऑर्डिनेट, यानी कि डिस्टेंस कितना है एक्स और एंगल। अब एंगल कहां से, तो बच्चा एंगल डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसा होता है ना, यानी कि यहां से एंगल, ठीक है, समझो, हमेशा जो एंगल नापा जाता है वो कहां से नापा जाता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से, यानी कि यहां से नापा जाएगा, ठीक है, यानी कि अब ये इधर बढ़ेगा तो थीटा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इसका जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ, ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला थीटा में आएगा, मैं फॉर्मूला इसका अभी बताऊंगा, इसका फॉर्मूला जो भी आएगा, पहले मान लेते हैं कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप ये नहीं कि जो फॉर्मूला आएगा, जैसे फॉर्मूला अभी मैं तुमको लिखवा ही देता हूं, फॉर्मूला इसका आता है केपी इज इक्वल टू केपी केपी बाई एक्स क्यूब इंटू 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, केपी बाई एक्स क्यूब अपॉन 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, पी पी क्या है डाइपोल मोमेंट, x क्या है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, और 1 थीटा क्या है एंगल, ये वाला एंगल। तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो आप फटाक से इस फॉर्मूला में 30 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि एंगल जो मेजर होगा इधर से मेजर होगा डाइपोल के डायरेक्शन से, डाइपोल कैसा इधर है ना, अब एक बात समझ लो, एंगल हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले डायरेक्शन से मेजर होगा, ऐसे समझो, यानी कि अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 है तो ये कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, आप 30 ना रख के थीटा इज इक्वल टू कितना रखेंगे 150 रखेंगे। यही बात मुझे आपको समझानी थी कि हमेशा थीटा जो होगा मेजर कहां से होगा, डाइपोल के डायरेक्शन से, डस्टर किधर रख दिया मैंने अपना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, E is equal to KP upon x cube 1+3 cos square theta। आइए आइए देखते हैं कहां तक हम सब कामयाब होते हैं, कोशिश सम कर सकते हैं। ये हो गया आपका कोई पॉइंट O, जो कि x डिस्टेंस r डिस्टेंस की दूरी पे है, ये वाला एंगल कितना हो गया,
चलिए आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा यूनिक तरीका होगा, एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होता था, लेकिन इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन से अपोजिट होता था। समझा है मैंने पिछले वीडियो में, वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा काम आएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, ये वाला जो टाइप, ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो है, इसको क्या करते हैं, ये पी है ना हमारा, ये वाला डायरेक्शन ये पी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जरा बताओ मुझे कि अगर ये पी है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये पी है, ये पी है डाइपोल मोमेंट, तो ये वाला जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। बताओ ये पी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये ही रूल होता है, ये हो जाएगा पी साइन थीटा के बराबर, पी साइन थीटा के बराबर। देखो अब आपकी बार ना लाइन एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे, आपकी बार पॉइंट कहां पे, ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे, आपकी बार कहां पे है, कोई भी एक रैंडम स्पेस में दे दिया है जिसकी डिस्टेंस उसके सेंटर से आर दी हुई है और एंगल फ्रॉम डाइपोल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो जरा बताओ मुझे कि हमने नापा, तो ये वाला, अब ये डाइपोल, इस डाइपोल को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, ये पी कॉस थीटा और ये पी साइन थीटा, किसी चीज को तोड़ सकते हो ना दो कंपोनेंट्स में। अब एक बात बताओ कि अब तुम ना इस डाइपोल को भूल जाओ, इस वाले डाइपोल को भूल जाओ, थोड़ा सा है ये लेंदी टाइप का, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको निकालना आता है इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे, लेकिन यहाँ पे तो कोई रैंडम पॉइंट है ना, इक्वेटर पे है ना एक्सिस पे है, ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना उसके एक्सिस पे है, कहीं पर भी है। तो हमने क्या कर दिया कि इस वाले डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, इधर पी कॉस थीटा और इधर पी साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ कि फॉर यहां पे लिख रहा हूं, दो कंपोनेंट्स को बटेगा, फॉर डाइपोल पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा जो डाइपोल है उसके लिए, उसके लिए पॉइंट ओ इज ऑन द एक्सिस, इस पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो कहां पे, इसके एक्सिस पे है, समझो। अच्छा यहां पे फॉर डाइपोल, डाइपोल को हमने दो पार्ट्स में कट दिया, अब ये डाइपोल नहीं बच गया, डाइपोल के दो कंपोनेंट्स बच गए, उस पे सवाल बनेगा, फॉर पी साइन थीटा पॉइंट ओ इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बताओ तो पी साइन थीटा के लिए, देखो पी साइन थीटा जो डाइपोल है इसके लिए ये किस पे है, बाइसेक्टर पे है कि नहीं, परपेंडिकुलर पे, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता है ना, P cos theta, P sin theta, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझिएगा, इस बात को समझ रहे हैं। तो चलिए अब इन दोनों की वजह से क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इसी को, इस वाले डाइपोल की वजह से, तो E एक्सियल लिख लेते हैं इसको, E A लिख लेते हैं, E एक्सियल, तो E एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp by x cube, यानी कि अब यहां पे P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डाइपोल की वैल्यू यहाँ पे पी कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2kp कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब। इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ डायरेक्शन मैं बता दू, डायरेक्शन आप लोगों को बता दू कि इस वाले डाइपोल की वजह से, अब देखो ये डाइपोल नहीं रहा, ये डाइपोल बन गया, तो इस वाले डाइपोल की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा, अलॉन्ग होगा बताइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, वो डाइपोल के अलॉन्ग होगी कि नहीं होगी, तो डाइपोल किस, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ना, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होगा बताइए जरा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वही डाइपोल का डायरेक्शन होगा, डाइपोल ऐसा है, पी कॉस थीटा का डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना। चलिए तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ये इधर, इसको हमने क्या लिखा, ई एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ठीक। चलिए ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, के पी बाई एक्स क्यूब, इसमें टू नहीं रहता याद है ना, तो अब देखिए ये के पी, पी की तरफ आपके, आपकी बार क्या लिखेंगे, आपके पास डाइपोल है पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा,
पी साइन थीटा जो ये वाला डाइपोल है इसका डायरेक्शन ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसकी वजह से यहां पे डायरेक्शन ऐसा होगा। ब्लू से बनाना चाहिए था मुझे ऐसा, इस तरीके से। इसको क्या लिखा हमने, ई परपेंडिकुलर। समझ में आई कहानी? अब देखो ई नेट की जो वैल्यू होगी वो हम लिखने जा रहे हैं। ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा ना, तो कॉस थीटा वाला सिस्टम हटा देते हैं, यानी कि ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू रखोगे तो ई ए किसके बराबर हो जाएगा, 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें kp sin थीटा अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा देखो ये सब स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो बाहर के ये स्क्वायर है तो kp अपॉन x क्यूब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि E net is equal to kp by x cube। पूछो कैसे ये सब बाहर आ गया, देखो ये सब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये इन दोनों में से कॉमन लिया हमने kp by, ये 4 हो जाएगा, ये k square, ये p square, ये cos square theta, ये x पे पावर 6, ये k square, ये p square, ये sin square theta, ये x पे पावर 6, तो k square, p square और x पे पावर 6 कॉमन हो जाएंगे, तो कॉमन लेके जब बाहर निकालोगे तो के स्क्वायर का के, पी स्क्वायर का पी और एक्स पे पावर 6 का एक्स क्यूब, यानी इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इधर मैं आप लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई एक्स क्यूब। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला अपना एक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को दे देगा, तुम जाओ एस करो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, और इसके पास अब क्या बच गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ई नेट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, केपी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, यही लिखा था मैंने, यही हो गया आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ये थीटा हमेशा कहां से मेजर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस से। चलिए अच्छा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूं, ये ई है, ये परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट ऐसा होगा ना, हमने जो ई नेट निकाला, ई नेट ये ऐसा कुछ होगा, ई नेट इस डायरेक्शन में, ठीक है उतार लीजिए, ई नेट की वैल्यू ऐसी हो जाएगी। अब इनेट का जो डायरेक्शन होगा वो भी निकाल लेते हैं, इनेट का डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये इससे अल्फा एंगल ऊपर है, ई एक्सियल से कितना एंगल ऊपर है, अल्फा एंगल ऊपर है, तो टैन अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, टैन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताइए जरा, टैन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वाला मूव करके कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ऐसे याद है ना आपको, ये E परपेंडिकुलर यहाँ पे, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि E परपेंडिकुलर बाई E एक्सियल। अब E परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है और E एक्सियल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखते हैं, तो E परपेंडिकुलर किसके बराबर है, के पी बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड के, सॉरी के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाई 2 के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब, ये केपी से केपी गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, यानी कि ये बचा कितना, 1 बाई 2 साइन बाई कॉस कितना, टैन थीटा, यानी कि टैन अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 बाई 2 टैन थीटा के बराबर, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स 1 बाई 2 टैन थीटा, याद रखिएगा ये भी। तो इसी तरीके से आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, तीनों तरीके से हमने बनाना सीख लिया, ठीक है, आगे के लेक्चर में हम और सारी बातें पढ़ेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।